हमें निर्णायक होना ही चाहिए, और एक बार निर्णायक होने की आदत लग जाती है ना, फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। वरना तो आपने देखा होगा कि कभी हम रेस्टोरेंट में चले जाएं परिवार के साथ, आप याद कीजिए, आप मुझे तो वो मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिलता होगा, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, पहले आप सोचते होंगे मैं ये मंगवाऊंगा, फिर बगल वाले टेबल पर कुछ देखते हैं तो कहता है नहीं ये नहीं ये मंगवाऊंगा, फिर वो बेरा जो है कुछ और ट्रे में लेके जाकर दिखता है मुझे, यार ये कुछ और है, नहीं नहीं ये क्या है भाई ये है, अच्छा मेरे वो दो कैंसिल ये ले आओ। अब उसका कभी पेट ही नहीं भरेगा जी, उसको कभी संतोष नहीं होगा, और जिस जिस आएगी तो उसको लगेगा यार इसके बजाय वो पहले वाला ले लिया होता तो अच्छा होता। जो लोग रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल पर निर्णय नहीं कर पाते हैं वो कभी रेस्टोरेंट का या खाने का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको निर्णायक बनना पड़ता है। अगर आपकी मां आपको डेली सुबह पूछे आज क्या खाओगे और आपके सामने 50 वैरायटी बोल दे, आप क्या करोगे? घूम फिर करके आ जाओगे, रोज खाते हो वहीं भरा के खड़े हो जाओगे। मैं समझता हूं कि हमें आदत डालनी चाहिए कि भाई हम निर्णायक बने। निर्णय लेने से पहले 500 चीजों को हम बारीकियां देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें, प्लस माइनस पॉइंट के लिए किसी से पूछे, लेकिन उसके बाद हम निर्णायक बने। और इसलिए कंफ्यूजन किसी भी हालत में आप किसी के लिए अच्छा नहीं है, अनिर्णायकता और खराब होती है, और उसमें से हमने बाहर आना चाहिए। थैंक यू।